हाय एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर जो कलम की जो कैप होती है उसमें छेद क्यों होता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आपने कलम के इस्तेमाल बहुत किए होंगे, बहुत आपने पढ़े होंगे, लिखे होंगे, शायद आपने कभी जानने की कोशिश किया है कि आखिर कलम की जो कैप होती है इसमें छेद क्यों होता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। एक अवधारणा यह है कि कलम के खोलने और बंद करने के दौरान इस छेद से हवा के समान रूप से दबाव को बनाए रखता है। यह बात उस कलम पर निर्भर करता है जिस कलम का जो कैप होता है से दाब पर जो कलम को कैप को बंद किया जाता है। उस पेन पर यह बात मायने नहीं रखता है जिनका कलम जो कैश कर बंद किया जाता है। तो बात करें, कुछ लोगों का कहना होता है कि कलम की जो कैप में जो छेद होती है इनका मुख्य कारण यह होता है कि जो कलम की जो नीब होती है, नीब में जो इंक होती है वो सूखे नहीं, जो कि सारा की बात यह गलत है क्योंकि नीम का कोई ऐसी फैक्ट नहीं है कि वह सूखे नहीं। कारण यह है कि खतरा इस बात से बनी होती है कि पेन की जो कैप होती है किसी व्यक्ति के गले में ना अटके। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। बात यह होती है कि बड़े हो या छोटे हो, सबकी आदत होती है कलम की जो कैप चबाने के लिए। अगर गलती से किसी बच्चे की गले में यह कैप फंस जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तभी यह सुझाव आया कि कलम की जो कैप में छेद किया जाए, जैसे कि कोई भी बच्चे कलम की खोप चबाने की आदत होती है। तो इसीलिए सुझाव आया कि कलम की जो कैप होती है उसमें छेद किया जाए, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति के या कोई बच्चा का अगर गले में कोई गलती से कैप चला जाए तो वो उस छेद रहने से सांस ले सकता है और डॉक्टर के पास वो दिखा सकता है। तो क्या अभी तक इसके बारे में जानते थे कि क्या कलम के जो कैप होती है उसमें छेद क्यों होता है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अमेजन वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।